नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। जुमे की नमाज के बाद हुए हंगामे में कई दुकानदारों की दुकान में हुई लूट, अब तक 64 हुए गिरफ्तार। सहारनपुर नगर में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के विरोध में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरकर जामा मस्जिद से लेकर घंटा घर तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बवाल के 64 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे दिन सामान्य रूप से क्षेत्र के बाजार भी खुले, वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्थिति आम दिनों की तरह सामान्य है। ग्रह कलेश के चलते महिला ने खाया जहर, हुई मौत। अम्बेटा में एक महिला ने ग्रह कलेश के चलते जहर खा लिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार, चौकी प्रभारी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बता दें कि महिला के परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे पेंशनर समाज द्वारा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन पर शीतल शरबत सेवा शिविर आयोजन कर गर्मी में प्यास से आहत यात्रियों को शीतल शरबत वितरण किया गया। शिविर का शुभारंभ स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी व CPS नितिन बत्रा व CGS संदेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर व भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया। वहीं बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और जल के लिए वायु के पश्चात जल ही महत्वपूर्ण अव्यय है, अतः जल दान महादान है, वो भी ज्येष्ठ माह की इस तपती गर्मी में तथा निर्जला एकादशी के दिन जल दान का विशेष धार्मिक है। सहारनपुर में भड़काऊ पोस्टर लगाने वाले 3 युवक हुए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार जनपद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने कस्बा शेखपुरा कदीम क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से पोस्टर चिपकाने वाले 3 अभियुक्तों शादाब साहिब और बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि इनके 3 साथी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तत्पर है। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित BJP कार्यालय पर आज मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जैसे शिक्षा, अध्यात्म, खेल, योग, संगीत आदि के क्षेत्र में सहारनपुर जनपद का नाम रोशन करने वाले लोगों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें महापौर संजीव वालिया, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, नगर अध्यक्ष राकेश जैन व सभी लोगों को शॉल ओढ़ाकर पटका पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते मनोज ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम पखवाड़े के तहत आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। सहारनपुर पुलिस के द्वारा उपद्रवियों पर की जा रही बड़ी कार्यवाही। उपद्रवियों को चिन्हित करने के बाद NSA तो लगाया ही, इतना ही नहीं अब उपद्रवियों के अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते मुजम्मिल निवासी 62 फुटा रोड और अब्दुल वाकिर निवासी खाताकेड़ी के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जिस संबंध में SPCT राजेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। ये कल जुमे की नमाज के बाद जो भी उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी कर रहे हैं हम। और उन्होंने जो अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है, जो इन्होंने बिना नक्शे के नियम विरुद्ध घर बना रखा है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक वाकिर है, ये खाताखेड़ी कराने वाला है अब्दुल वाकिर, और दूसरा मुजम्मिल है जो 62 फुटा रोड का है। इनके घरों पर भी दबिश दी गई तो पाया गया कि इनका घर क्या कोई नक्शा नहीं है, अवैध रूप से बनाया गया। इन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इनकी ऐसे अपराधियों की, शरारती तत्वों की कमर टूट जाए और फिर कभी भी अपराध करने का दुस्साहस न करें। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।